तो दोस्तों क्या आपको पता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक ऐसे बॉन्ड्स हैं जिसका सिर्फ एक बैंक इशू करती है, जो कि नाम है SBI, और कोई बैंक इस बॉन्ड्स को इशू नहीं कर सकती। और ये एक ऐसे बॉन्ड्स हैं जिनका डोनर का पता लगाना नामुमकिन है। ये बॉन्ड्स RTI के अंडर भी नहीं आते हैं। RTI से सिर्फ आप ये डिटेल निकाल सकते हो कि कितने बॉन्ड्स इशू हुए थे और किस पार्टी को कितने बॉन्ड्स गए हैं। तो ये बॉन्ड्स जो थे, ये काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं बॉन्ड्स। बट ऐसा क्यों हम ये नहीं जान सकते कि किसने किसको बॉन्ड्स इशू करे हैं और कितने अमाउंट्स के बॉन्ड्स इशू करे हैं? क्या हमारा संविधान ये अधिकार नहीं देता कि कौन सी पार्टी को कितने बॉन्ड्स और कौन इशू कर रहा है? क्या ये बॉन्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? और ये बॉन्ड्स लाए किस लिए गए थे? और एक्चुअल में ये बॉन्ड्स का यूज कौन कौन कर सकता है? और मेन बात, इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं? तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। कौन इशू करता है, क्यों इशू करता है और किस लिए इशू किए जाते हैं, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या फैसला सुनाया है। Suddenly, State Bank says 2 days before we can't provide the information. Rajiv, that is your statement. The same information was asked by the Supreme Court to be given in sealed cover a couple of years back, and the SBI had provided that. Do you think any institution will go before the Supreme Court, file such an application, and wait for the Supreme Court just to gloss it over? Nobody will take the chance. Something quite dramatic happened at the Supreme Court on Thursday. As we said, uncertainty then continuing over electoral bonds donor details. The Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, said on Thursday the Supreme Court would consider listing a contempt petition against State Bank of India Chairman Dinesh Kumar Khara. Now, this happened after India's largest bank failed to meet the March 6th deadline set by the Supreme Court last month to submit details of electoral bonds with the Election Commission. Time आता है 2017 का, जब तत्कालीन वित्त मंत्री होते हैं हमारे अरुण जेटली। अरुण जेटली बजट में अपने उसमें इस बॉन्ड्स की चर्चा करते हैं। 2017 में ये मनी बिल की तरह लाया गया था, और मनी बिल एक ऐसे बिल्स होते हैं जिन्हें राज्यसभा की ज़रूरत नहीं होती, ये सीधा लोकसभा में पास होके ऑफिशियल गजट में आ सकते हैं, और सेम वैसा ही हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि 2017, चलो ठीक है 2017 में आया, बट 2017 से पहले हमारे पास डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास से होती थी, वो डोनेशन कैसे आती थी भाई? 2017 से पहले जो डोनेशन होती थी वो कैश में आती थी, अकाउंट ट्रांसफ़र, और ज़्यादातर वो डोनेशन जो होती थी हमारी कैश में होती थी, और कैश को ट्रेस करना पाना नामुमकिन हो गया था उस टाइम। इसी कैश ट्रांजैक्शन को बंद करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए थे 2017 में अरुण जेटली द्वारा। और इसमें एक प्रावधान लाया गया था कि अगर कोई इंसान पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहता है, वो 2000 रुपये से ज़्यादा चंदा नहीं दे पाएगा कैश में 2000 रुपये से ज़्यादा चंदा नहीं दे पाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू वो कितना मर्जी डोनेशन दे सकता है। तो 2017 में ये बॉन्ड्स लाए गए थे, और इन यूज़ जो आए थे वो 2018 में आए थे, जो सबसे पहली बार SBI ने बॉन्ड्स जो थे वो इशू करे थे। इसमें एक खासियत थी, इस बॉन्ड में जो भी बंदा ये बॉन्ड्स खरीदता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए ने बॉन्ड्स खरीदे, मैंने ये बॉन्ड्स खरीदे ये वाले, तो ये बॉन्ड्स खरीदने के बाद मेरी जो जानकारी है वो गुप्त रखी जाती है। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल अरम जैन ने 10,000 रुपये के बॉन्ड्स खरीदे, तो वो 10,000 रुपये के बॉन्ड्स की जानकारी जो है वो सिर्फ SBI के पास रहेगी, और वो भी एक गुप्त रखी जाएगी एक कोड से। अब आपने समझ तो लिया ये बॉन्ड्स लाए गए थे, बट ये लाए क्यों गए थे? ये लाए इसलिए गए थे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जो कैश में चंदा ले रही थी, तो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी थी वो बिल्कुल कम थी, क्योंकि कैश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करता था और वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, क्या इस्तेमाल हो रहा था, उसका पता नहीं चल पाता था। तो इस ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे वो लाए गए थे अरुण जेटली द्वारा। अब बात करते हैं ये बॉन्ड्स इशू कौन करता था। ये सिर्फ जितने भी पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कोई बैंक इसको इशू नहीं कर सकता था, सिर्फ और सिर्फ ये SBI इशू कर सकता था। और उसका जो बॉन्ड्स का जो प्राइस होता था, एक फिक्स प्राइस होता था, जैसे 1,000 रुपये का एक बॉन्ड हो गया, 10,000 रुपये के बॉन्ड हो गए, 1,00,000 रुपये के बॉन्ड हो गए, और 1,00,000 रुपये का एक बॉन्ड हो गया। 1,00,000 से ज़्यादा के बॉन्ड्स नहीं होते थे, बट आप मल्टीपल बॉन्ड्स खरीद सकते थे 1,00,000 रुपये के। अब ये जो बॉन्ड्स थे जो इशू करता था SBI ने इशू करे, जैसे मेरे को बॉन्ड्स इशू करे SBI ने 1,00,000 रुपये के, अब वो 1,00,000 रुपये के बॉन्ड्स मैं किसी भी मेरे को जो पसंदीदा पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता हूँ। और इसमें जो जानकारी होती है जो डोनर की, वो गुप्त होती है। मतलब कोई और पॉलिटिकल पार्टी होगी वो जान नहीं सकेगी उसको कि किसने कितना पैसा डोनेट करा है। फॉर एग्जांपल अगर ए पार्टी है और बी पार्टी है, बी पार्टी को किसी बंदे ने 1,000,00,000 रुपये डोनेट करे, तो वो ए पार्टी को नहीं पता होगा कि वो कौन बंदा है जिसने 1,000,00,000 रुपये डोनेट करे बी पार्टी को। और डोनर की आइडेंटिटी गुप्त रहे, इस वजह से इन बॉन्ड्स को लाया गया था। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो डोनेशन, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव कर रही है, उसको 15 दिन के अंदर उसे इनकैश कराना होता था।
अगर वो इनकैश नहीं कराता वो लैप्स हो जाता। अब ये तो हमने पूरा सिस्टम समझ लिया, अब हम जानते हैं ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रिसीव कर सकती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। भाई ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ही रिसीव कर पाएंगी। अब रजिस्टर्ड कौन सी पार्टीज होती हैं, इसमें कानून आता है जो कि आता है लोक प्रतिनिधि नियम अधिनियम 1951 29A, जो ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेनली रजिस्टर्ड होनी चाहिए इस अधिनियम में। और उसमें दूसरा नियम ये है कि 1% वोट, जो कि लास्ट कोई भी राज्यसभा या लोकसभा चुनाव होंगे उस पार्टी को 1% वोट मिलने ही मिलने चाहिए। अगर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए तो आपकी लोकप्रियता होनी चाहिए लोगों के बीच में, तो 1% वोट लोकसभा या राज्यसभा में टोटल सीटों में मिलने चाहिए। अब इस बॉन्ड के फायदे की बात करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस क्या फ़ायदा करता है। ये काले धन को या ब्लैक मनी को, जो भी कहते हैं, जैसे कैश ट्रांजेक्शन्स को कम करता है। और दूसरा फायदा ये है कि जो डोनर होता है, डोनर की जो लाइफ रिस्क रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ गई, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आई, तो डोनर का उन्हें नहीं पता होगा कि किसने डोनेट किया है, तो वो पॉलिटिकल जो डोनर होगा वो सेफ रहेगा इससे, क्योंकि उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं पता होगा कि किसने किस बंदे ने किसको डोनेट कितना अमाउंट का किया हुआ है। अब मेन बात करते हैं इसके जो डिसएडवांटेजेस के, कि ये ऐसा क्यों इसकी आलोचना की जा रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म किया, क्यों इसे असंवैधानिक कहा। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 आता है राइट टू नो, उसमें आता है कि जितने भी जो भी हमारे नागरिक हैं उनको जानने का अधिकार है। अब जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स ये नहीं जान पाते कि कौन डोनेट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और वो उनका संवैधानिक अधिकार है कि कितना पैसा कौन डोनेट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को। क्योंकि क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका फ़ायदा कराने की वजह से वो डोनेशन लेती हैं। अगर कोई भी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर वो जब किसी बंदे को उस पॉलिटिकल पार्टी में फ़ायदा दिख रहा होगा वो डोनेशन तभी देगा उस पॉलिटिकल पार्टी। और यहाँ आर्टिकल 19 का उल्लंघन होता है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात ये कहता है SBI के पास जितने भी डोनर्स हैं उनका डाटा सेफ रहता है, बट ऐसा नहीं है। SBI ने सरकार को जितना भी डोनर्स का डेटा है वो सब दे चुका है। वो एक स्पेशल कोड होता है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में होते हैं, वो सरकार को पता होता है कि किसने कितना पैसा डोनेट किया है किस पॉलिटिकल पार्टी को, वो सिर्फ सरकार और SBI इन दोनों को पता होता है। क्योंकि SBI जो है एक सरकारी बैंक है और जो सरकार है वो उस चीज़ को रेगुलेट कर रही है, तो सरकार के पास सारी इन्फॉर्मेशन इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अवेलेबल होती है, जिससे जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जो आज के टाइम पर भी यही है, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो उन पार्टीज़ को, जो दूसरी पार्टीज़ को डोनेट कर रहे हैं, उन डोनर्स को धमकाती है ED CBI इन सब का यूज़ करके उनसे जितनी भी डोनेशन होती है या तो वो बंद कर देते हैं या वो वो जो शिफ्ट कर देते हैं रूलिंग पार्टी की ओर, जितना भी चंदा होता है वो सारा चंदा अब रूलिंग पार्टी की तरफ शिफ्ट कर देते हैं वो। अब हुआ क्या था कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिमिट लगाई गई थी कि अगर लास्ट 3 ईयर्स में जो प्रॉफिट है कंपनी का 7.5% से ऊपर है तब ही वो डोनेट कर पाएंगी पॉलिटिकल पार्टी को, बट ये जो था प्रावधान ये कंपनीज एक्ट का, ये हटा दिया गया था मनी बिल जब इंट्रोड्यूस हुआ था। अब होने क्या लगा था कि शेल कंपनीज बनाई जा रही थी और शेल कंपनीज बना के पॉलिटिकल पार्टीज को मोटी फंडिंग दी जा रही थी इस प्रावधान को हटाने के बाद। और इस आलोचनाओं के तहत जो केस पहुंचा वो गया सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक प्रूफ कर दिया। क्यों प्रूफ कर दिया? क्योंकि आर्टिकल 19 और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, जो कि असंवैधानिक माना जाता है। और दूसरी बात, सरकार ने कहा कि इसमें डोनर की इंफॉर्मेशन गुप्त रखी जाती है, बट देखा ये गया कि SBI ने सारी इंफॉर्मेशन सरकार को दी, और सरकार को देने के बाद और देखा ये गया कि सरकार उसे ट्रेस कर सकती थी एक स्पेशल कोड के थ्रू। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे कोड्स होते हैं और उस कोड के थ्रू वो डोनर की इन्फॉर्मेशन पता लगा सकती थी सरकार। तो यहाँ डोनर की जो आइडेंटिटी थी वो कहा गया था सरकार की तरफ से कि गुप्त रखी जाती है, बट ऐसा नहीं था उसमें। अब भाई मेन बात ये आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास जितना जिनको पैसा चाहिए था 7 साल में बहुत ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि 16,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड्स तो बहुत इशू हो चुके हैं उसका, अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चलो अब तो कर दिया उसको घोषित, बट जिन पार्टीज़ के पास डोनेशन आ चुका है वो तो पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं, और जिनके पास जो बची हुई पार्टीज़ हैं उनके पास डोनेशन है ही नहीं, तो जो मनी पावर है, मनी पावर तो उनके पास दूसरी पार्टीज़ के पास है ही नहीं, और जो मेन पार्टी है उसके पास मनी पावर भी है। तो भाई ये थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो सरकार ने अपने मनी बिल के थ्रू लेकर आई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करके उस बॉन्ड को ख़त्म कर दिया। बट अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। SBI के लिए कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कहा है कि आप 6 मार्च तक EC को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि किस पार्टी को कितने पैसों के बॉन्ड्स इशू हुए थे, कौन सी डेट को हुए थे और किसने डोनेट करे थे। बट
हाल ही में ये पता चलता है कि SBI ने उसका उल्लंघन किया, SBI ने मना कर दिया, कह रहे हैं कि हमें 30 जून तक का टाइम और चाहिए उन बॉन्ड्स को जो EC को बताने के लिए 30 जून तक का उन्हें टाइम चाहिए। बट जब सरकार ने मांगे गए थे तो विद इन 48 आवर्स वो बॉन्ड्स का पता सरकार को दे दिया गया था। और काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये मानना भी है कि बॉन्ड्स को सिर्फ और सिर्फ 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ही पता लगाया जा सकता है कि कौन सी पार्टी ने किस पार्टी को, कौन से डोनर ने किस पार्टी को पैसा डोनेट किया है। और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उन्होंने SBI के खिलाफ एक कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट का अपील लगाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। तो SBI ने जो सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा था कि मुझे 110 दिन और चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ मना कर दिया है। और 24 घंटे के अंदर अंदर ही SBI ने जो डिटेल्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वो EC को दे दिए हैं। और उसमें इतने चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इसमें भाई ये पता चला है कि 10,000 करोड़ से ऊपर का चंदा वो एक ही पार्टी को करा है जो कि BJP है। और जो दूसरे नंबर पे आती है वो आती है TMC, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस आती है। तो भाई इन सब पार्टीज को सबसे ज़्यादा चंदा दिया गया है। और किन किनों ने कितना चंदा दिया और कैसे दिया, मैंने जो आपको वीडियो में बताया था कि ED CBI इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे पहले है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, भाई इसको इसने 1368 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। और 1368 करोड़ रुपये इस पे जो होता है वो ED की रेड पड़ती है, और ED की रेड के बाद इसके जो 401 करोड़ के एसेट्स अटैच कर लिए जाते हैं तब इसने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। अब आते हैं मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भाई इस पे भी ED की रेड पड़ी थी। आप अगर देखोगे आ रहा होगा ED की रेड पड़ी थी तब जाके इन्होंने जो 966 करोड़ रुपए जो चंदा है वो दिया है। अब वो किसको दिया है वो भी आपको पता होगा। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ रुपए, वेदांता 400 करोड़ रुपए, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ रुपए, SL माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड 224 करोड़ रुपए, भारती ग्रुप जो कि एयरटेल ग्रुप है 247 करोड़ रुपए। अगली बात करें भाई जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि भाई ED CBI वो इसी का ही काम कर रही है जो कि वसूली का काम होता है, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं तो कैसे SBI ने अब छुपाने की कोशिश कर रही थी बट वो नहीं छुपा पाई सुप्रीम कोर्ट की वजह से। और इसमें आप देखोगे इसमें पर्सनल कैपेसिटी में भी बॉन्ड खरीदे गए, मतलब जैसे एक लक्ष्मी मित्तल है, लक्ष्मी मित्तल बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने 35 करोड़ के 1-1 करोड़ के 35 बॉन्ड खरीदे थे। किसने रिडीम किया वो तो अभी नहीं पता, वो अभी इसकी सुनवाई होगी तब पता चलेगा। बट भाई मतलब इतना बड़ा ये फ्रॉड जो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हुई है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो वो आपके सामने है, और लोगों ने इसको काले धन को भी सफ़ेद धन किया है इसके माध्यम से। तो भाई ये थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आगे इवॉल्व करा, किस कौन लाया, सब चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।